हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हा जीवित ख्वाहिश। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हमने 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए प्यारी सी ड्रेस बनाई है। ड्रेस बनाना काफ़ी इजी है, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं, आपकी भी ऐसे सुंदर से ड्रेस बन के रेडी हो जाएगी। आप किसी भी तीज त्यौहार पे लड्डू गोपाल जी को ये ड्रेस पहना सकते हैं। इसमें मटेरियल भी ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है। इसमें हमने देखे 2 तरीके की लैश यूज़ की है। आपके पास और भी इससे चौड़ी या पतली लैश हो, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ड्रेस बनाने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है, वाइट कलर का फैब्रिक लिया है। इसकी लंबाई हमने 35 इंच रखी है, चौड़ाई हमने इसकी 4 इंच रखी है। ये हमने इनर के लिए फैब्रिक लिया है, इसकी लंबाई और चौड़ाई हमने सेम रखी है। देखिए, अब हमें इसे यहाँ पे जो ये वाला फैब्रिक है इसे यहाँ ऐसे ही रखेंगे, और जो इनर वाला फैब्रिक है इसे यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे करते हुए रखेंगे। देखिए, बिल्कुल ऐसे रखेंगे और यहाँ पर ऐसे करते हुए ऐसे पूरे में सिलाई दे देंगे। हमने इसमें यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा के ले लिया है। अब हमें इसे सीधा कर लेना है। हमने इसे सीधा करके ले लिया है। अब जो ये देखिए, फैब्रिक की दोनों साइड से यहाँ पे ऐसे करते हुए हमें ऊपर से सिलाई दे देनी है। यहाँ भी सिलाई देंगे और दूसरी साइड पे भी। तो चलिए सिलाई दे देते हैं। हमने देखिए इसमें दोनों साइड पे सिलाई लगा के ले लिया है। अब जो ये नीचे की साइड है, देखिए जो ये वाली यहाँ पे नीचे की साइड है, यहाँ पे हम लैश लगाएंगे। देखिए, हमने ये लैश ली है, ये कटिंग वाली लैश है और मल्टी कलर में है, काफ़ी प्यारी लगती है ड्रेस पे लगाने पे। देखिए, अब हमें यहाँ पे ऐसे करते हुए पूरे में यहाँ पे लैश को लगा लेना है। तो चलिए लैश को लगा लेते हैं। हमने देखिए इसमें यहाँ पे पूरे में लैश को लगा के ले लिया है। अब हमें हल्की पतली गोल्डन कलर की लैस लेंगे। देखिए, ये वाली लैस लेंगे। लैस को हमें यहाँ पे इसके यहाँ पे बिल्कुल देखिए पास पास में लगा लेंगे, हाफ इंच का गैप रखेंगे और यहाँ पे इस लैस को लगा लेते हैं। देखिए, यहाँ पे लैस को लगा के ले लिया है। अब जो ये देखिए इसकी साइड्स है, यहाँ पे भी हम लैश लगाएंगे, यही पतली वाली लैश लगाएंगे। देखिए, ये लैश लेंगे, लैश को यहाँ पे ऐसे रखते हुए यहाँ पे पूरा यहाँ तक लगाएंगे। यहाँ से देखिए हल्की सी एक्स्ट्रा लैश की कटिंग करेंगे और इसे ऐसे नीचे की तरफ दबाते हुए यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। तो चलिए दोनों साइड पे लैश को लगा लेते हैं। हमने देखे इसके दोनों साइड्स में लॉक करके ले लिया है लैस की हेल्प से। अब हमें इसके अंदर प्लेट्स डालनी है। देखिए, हमें यहाँ पे फैब्रिक को ऐसे उठाते जाना है और यहाँ पे ऐसे पास पास में रखते जाना है। देखिए, बिल्कुल ऐसे, और हमें प्लेट्स डाल लेनी है। प्लेट्स हमें सिर्फ 5 इंच में ही डालनी है। तो चलिए प्लेट्स डाल लेते हैं। हमने इसके अंदर प्लेट्स डाल के ले ली है। ये देखिए, अब हमें यहाँ के लिए नेफा रेडी करना है। नेफा रेडी करने के लिए हमने ये पट्टी ली है, जिसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंच रखी है, लंबाई हमने इसकी 7.5 इंच रखी है। अब देखिए, हमें यहाँ पे स्कर्ट को ऐसे लेना है, जो फैब्रिक है इसे यहाँ पे आगे से ऐसे फोल्ड देंगे। यहाँ पे ऐसे करते हुए हमें पूरे में लगा लेना है और इस साइड से भी हमें इसे यहाँ पे आगे से ऐसे फोल्ड देना है। तो चलिए यहाँ पे आगे से ऐसे फोल्ड करते हुए पट्टी को स्कर्ट के साथ लगा लेते हैं। हमने देखिए यहाँ पे पट्टी को लगा के ले लिया है। अब हमें इसे यहाँ पे ऐसे फोल्ड देना है। देखिए, फोल्ड देने के बाद हमें देखिए यहाँ पे ऐसे डोरी को रखेंगे, जो पट्टी है उसे एक फोल्ड ऐसे देंगे
और हमें इसे ऐसे करते हुए सेकंड फोल्ड ऐसे देना है। और देखिए यहाँ पे हमें सिलाई दे देनी है, हमें डोरी के ऊपर सिलाई नहीं देनी है। हमने देखिए यहाँ पे पट्टी को फोल्ड करके ले लिया है और डोरी को अंदर डाल लिया है। देखिए हमारी डोरी अच्छे से सरक पा रही है। मैं आपको डोरी की लंबाई बताना भूल गई थी, हमने डोरी की लंबाई 15 इंच रखी है। देखिए हमारी स्कर्ट बनके रेडी हो गई है। अब हम टॉप रेडी करेंगे। कि टॉप बनाने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है जिसकी लंबाई हमने 2.5 इंच रखी है, चौड़ाई हमने इसकी 2.25 इंच रखी है। ये देखिए ये हमने सिल्क फैब्रिक भी लिया है और ये कॉटन फैब्रिक, दोनों की लंबाई चौड़ाई हमने सेम रखी है। इसे इसके ऊपर हमें देखिए यहाँ पे ऐसे रखना है और इसे हमें यहाँ पे देखिए एक फोल्ड देना है ऐसे करते हुए यहाँ पे ऐसे। और देखिए इसके हमें यहाँ पे ऐसे तिरछी कटिंग कर लेनी है। देखिए कटिंग करके ले ली है। अब हमें यहाँ पे देखिए ऐसे करते हुए बिल्कुल ऐसे सिलाई दे देनी है। यहाँ पे सिलाई नहीं देंगे, यहाँ से हम फैब्रिक को सीधा करेंगे। हमने यहाँ पे सिलाई लगा के ले लिया है। अब हम टॉप को सीधा करेंगे। हमने इसे सीधा करके ले लिया है। अब देखिए हमें यहाँ पे ऐसे सिलाई देनी है। यहाँ पे देखिए बीच में हमें यहाँ पे ऐसे लैश लगा लेंगे। यहाँ पे सिलाई ऐसे देते हुए इधर से भी ऐसे सिलाई दे देंगे। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं और लैश को भी साथ में अटैच कर लेते हैं। हमने देखिए यहाँ पे लैश को भी लगा के ले लिया है और दोनों साइड पे सिलाई भी लगा ली है। अब हमें देखिए एक ऐसी पट्टी लेनी है। पट्टी की लंबाई हमने 14 इंच रखी है, चौड़ाई हमने इसकी 1.25 इंच रखी है। इसके हमें इक्वल 2 पार्ट्स कर लेने हैं। हमने इसके 2 पार्ट्स करके ले लिए हैं। ये हमने इनर वाला फैब्रिक लिया है। देखिए इसे हमें यहाँ पे ऐसे रखना है और ऐसे करते हुए सिलाई दे देंगे। सेम इस साइड भी ऐसे ही फैब्रिक को रखना है और सिलाई दे देनी है। हमने देखिए दोनों साइड पे पट्टी को लगा के ले लिया है। अब हमें इसे यहाँ पे ऐसे फोल्ड देना है। और देखिए जो ये वाली साइड है इसे यहाँ पे ऐसे फोल्ड देंगे, एक फोल्ड इस साइड से देंगे। और देखिए फिर से हमें इसे एक फोल्ड ऐसे दे देना है और पूरी पट्टी को फोल्ड दे देंगे दोनों साइड से। हमने देखिए टॉप के दोनों साइड पे पट्टियों को लगा के ले लिया है। अब हम स्कर्ट लेंगे। स्कर्ट को देखिए यहाँ पे ऐसे फोल्ड देंगे। फोल्ड देने के बाद यहाँ पे चोक की हेल्प से मिडल में निशान लगा लेंगे। ऐसे ही टॉप को भी फोल्ड देंगे और यहाँ पे बीच में मिडल में निशान लगा लेंगे। हमने देखिए यहाँ पे बीच में निशान लगा के ले लिया है। अब इसे हमें यहाँ पे देखिए ऐसे मिडल में रखना है। यहाँ पे ऐसे करते हुए हमें टॉप को स्कर्ट के साथ में अटैच कर लेना है। हमने देखिए टॉप को स्कर्ट के साथ में अटैच करके ले लिया है। देखिए हमारी प्यारी सी ड्रेस बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।